एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि प्रोग्रेशन के ऊपर है। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि आज का बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि एबल टू आइडेंटिफाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना। लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा था, इसमें हम देखेंगे एपी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या तो शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। एंड फाइंड द टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली सीक्वेंस में जैसे टर्म्स होता था ना कि 1, 3, 5, 7। हाँ बेटा, तो इसमें आपका क्या है, ये वाला जो है इसको हम टर्म्स बोलते थे, जो कि T1, T2 से लिखा है। तो ऐसे ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम टर्म्स को निकालना सीखेंगे कि कैसे कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यस ठीक है। तो ये आज का मेन ऑब्जेक्टिव है, चलो देखते हैं। तो जो पहला चीज है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का मैंने डेफिनेशन क्या बोला था, किसी को याद है क्या था सीक्वेंस, जो कि लास्ट क्लास में ही लिया मैंने? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हाँ, तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड कोई भी एक पैटर्न फॉलो करे तो हम उसको बोल सकते थे, पैटर्न या रूल फॉलो कर रहा था तो हम बोल सकते थे उसको कि वो सीक्वेंस है, कोई भी पैटर्न या कोई भी रूल। बट ऐसा सीक्वेंस जो कि कोई कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे उसको ही प्रोग्रेशन माना जाएगा। कुछ भी पैटर्न फॉलो करेगा तो उसको हम प्रोग्रेशन नहीं मान सकते। यही डिफरेंस है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। प्रोग्रेशन क्या है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न ही फॉलो करना है, मतलब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है जिसको हम एपी बोलेंगे, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसको जीपी माना जाता है। कुछ भी पैटर्न या कुछ भी रूल फॉलो हो जाएगा तो उसको सीक्वेंस मान सकते हैं, प्रोग्रेशन नहीं। इसीलिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तीन अलग अलग तीन टाइप के पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, और ये तीनों पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका अलग अलग ही नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये रहता है सबसे पहले जो कि बेसिक डिफरेंस है सीक्वेंस एंड पैटर्न्स के बीच में, सॉरी पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीक्वेंस होता है मेरा कुछ भी रूल या कुछ भी स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो करने से उसको सीक्वेंस बोल सकते हैं। बट पॉपुलेशन बोलेंगे वही सब सीक्वेंसेस को, मतलब पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सीक्वेंस, बट वो सीक्वेंस जो कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो कर रहा है उसको ही हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन। और इसके अंडर आपका तीनों प्रोग्रेशन आता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि एपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। और ये एक एक चैप्टर एक एक चीज को हम देखेंगे, बट आपके सिलेबस में आई थिंक एचपी जो है ये नहीं। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी जो है ये है। ओके, सो चलो इसका देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आज का जो लेक्चर है टोटली आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर ही रहेगा, जीपी आज नहीं। तो पहला वाला जो चीज है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, क्या बोल रहे हैं, नंबर्स और टर्म्स आर सेड टू बी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेड टू बी इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन ईच वन एक्सेप्ट द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कंस्टेंट टू द प्रीवियस वन। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको, बोल क्या रहा है ये, बोल क्या रहा है कि आपका कोई भी एक क्या नंबर्स या टर्म्स जो भी है, जितने भी नंबर्स और टर्म्स है कैसे आएगा, ये आप एक पर्टिकुलर कंस्टेंट को ऐड करके एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। जैसे कि मान लो आपके पास वन है और आप कोई पर्टिकुलर एक कंस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मैं 3 ऐड कर रहा हूँ हर एक में, तो 1 + 3 करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 4, 4 + 3 करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 7, 7 + 3 करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 10, 10 + 3 करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 13। तो ये जो है ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। और वो पैटर्न क्या है कि हर एक नंबर के साथ एक पर्टिकुलर कंस्टेंट ऐड करने से ही दूसरा वाला आ जा रहा है। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म उठा लो, उन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस सेम आएगा। 7 10 के बीच का डिफरेंस 3 है, 10 13 का डिफरेंस 3 है, 4 7 का डिफरेंस 3 है, 1 एंड 4 का डिफरेंस 3 है। तो आप कुछ भी
दो टर्म उठा लो कंसेक्यूटिव, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सेम कंस्टेंट वैल्यू ऐड करके ही इसको बना रहा हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं एपी। आया समझ में कि एपी क्या है बेसिकली? या तो आप ऐसे याद रख लो कि पर्टिकुलर एक कंस्टेंट वैल्यू ऐड करने से ये आ जा रहा है, या तो आप मान लो दो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है या दो टर्म्स है इनके बीच का डिफरेंस जो आएगा ये ऑलवेज सेम होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। सेकेंड थिंग क्या बोल रहा है कि एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब मैंने अभी भी क्या बोला आपको कि आप पर्टिकुलर एक कंस्टेंट वैल्यू को ऐड करके आप निकाल रहे हो। तो आप एक ध्यान से देखो, अगर मैं पहला वाला नंबर को मतलब पहला वाला टर्म को अगर ए लिख लूंगा एंड ये कंस्टेंट वैल्यू जो है इसको डी मान लेता हूँ, तो हर एक में मैं डी ऐड करूंगा तो मेरा दूसरा वाला नंबर आएगा, मतलब ए के बाद आएगा क्या, ए प्लस डी। फिर से ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो ये ए प्लस टू डी, फिर से ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो ये ए प्लस थ्री डी, तो ऐसे आपका आएगा ये चीज। इसके बाद भी अगर करेंगे तो ए प्लस फोर डी, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्म। अब इसमें ही एक चीज हम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब अच्छे से देखो, इसमें आपका ये बोल सकते हैं टी वन, हाँ या ना? इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि टी टू, इसको मैं बोल सकता हूँ ना टी थ्री, इसको बोल सकता हूँ टी फोर, इसको बोल सकता हूँ टी फाइव। एंड अगर गौर से देखोगे इसमें एक चीज है, देखो इधर फाइव है, इधर फाइव से एक कम फोर, इसके देखो इसमें फोर है, इसमें फोर से एक कम थ्री, इसमें थ्री है तो इससे डी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है हर एक टर्म में ये एक एक करके कम हो रहा है। इधर टू है तो इधर डी के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब वन। तो ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ना टी एन चाहिए सर, मैं ना टी एन लिख रहा हूँ, तो टी एन का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, n-1d। हाँ क्योंकि इधर एन है तो इससे एक कम होगा ना, क्योंकि इधर फाइव था इधर फोर, इधर फोर था इधर थ्री, तो एक पैटर्न आ जा रहा है कि इधर n-1 d है। और यही आपका टी एन जो कि हम nth टर्म बोलेंगे एपी का, ये एक फॉर्मूला भी है अपने आप में। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए, जिसको हम टी एन से लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म मैं लिख देता हूँ, ये इज द फर्स्ट टर्म। एन क्या है, एनिथ टर्म का एन है जो, और डी क्या है, डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये आपका है पहला फॉर्मूला जो कि टी एन के फॉर्मूला से आते हैं। तो टी एन का वैल्यू जो है इसका ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे कोई भी पर्टिकुलर सीरीज को, सॉरी कोई पर्टिकुलर प्रोग्रेशन का अगर आपको कुछ भी टर्म निकालने के लिए दे दे कि आप मान लो 72 टर्म या 75th टर्म या 71st टर्म कुछ भी बोल रहे हैं, या 93 टर्म कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप यूजिंग दिस फॉर्मूला उसको इजीली निकाल सकते हो डायरेक्ट वो वाला टर्म। इसके लिए आपको टोटल प्रोग्रेशन निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, चल क्या बोल रहा है इसके बाद कि इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी। अब देखो इसका कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है ना वो बहुत सारा होता है, बट मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से आपको तीन रिजल्ट, जो पहला है अगर आपको बोल रहा है कि कोई भी तीन नंबर एपी में है तो आपको वो तीनों नंबर क्या लेना है, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अब ध्यान से देखो, तीन नंबर के लिए मैं ले रहा हूँ ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। आप बोलोगे ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मैं कैसे मान लू? अब देखो इससे आप इसमें डी ऐड करो तो देखो इसमें आपका ए आएगा, फिर से आप डी ऐड करो देखो एक ए प्लस डी आएगा, मतलब ये डी के डिफरेंस में जा रहा है। ये आपका क्या है, ये तीनों नंबर आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मत
आपका ये मतलब नहीं है कि हर एक दो आप जो भी पास मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स ले रहे हो इनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज डी ही आएगा, हो सकता है 2d आए, हो सकता है 5d आए, बट जो कोई कुछ भी आएगा ना वो सब में सेम होना चाहिए। आप पहले दो टर्म लो, इनके बीच का भी डिफरेंस डी है, आप दूसरा वाला दो टर्म में इसके बीच का भी डिफरेंस डी है, डिफरेंस सेम होने से मतलब है, ऐसा नहीं कि डी ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है बट वो सेम होना चाहिए। डी तो बस एक नंबर है, डी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम डिफरेंस को डी से लिख रहे हैं। इसको मैं ठीक कोई लग बोलेगा कि मैं सर 3d से लिखूंगा, आप लिख दो 3d से, उसका कुछ मतलब नहीं है, बट डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। तो यह वाला पहला रिजल्ट है। दूसरा, अगर चारों ऐसा टर्म है जो कि आपका क्या है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फोर नंबर्स आर इन ए पी, वी कैन टेक द फोर टर्म्स, मतलब वो चारों नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। आप इधर देखो एक चीज, इधर जो डिफरेंस है बेटा ये आपका 2d का डिफरेंस में चल रहा है, बट हर एक में ही 2d है, ऐसा नहीं कि पहला वाला में है दूसरा वाला में d अलग नहीं, हर एक में आपको 2d ऐड करने से दूसरा वाला आएगा, तो ये भी आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनेगा। क्यों? डिफरेंस सेम है ना कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के, मतलब इधर कांस्टेंट वैल्यू कौन है 2d, जिसको ऐड करने से आपको नेक्स्ट वाला नंबर मिल रहा है, तो ये भी आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक, यस सर। अगर मैं बोलूंगा अगर पांचों नंबर के लिए निकालना है, मैं आपको बोल रहा है कि पांच नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका जो पांच नंबर का रिजल्ट है मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a-2d, a-d, a+d, a+2d। फिर से इसका डिफरेंस जो आ रहा है ये डी का आ रहा है, फिर से ये डी का आ रहा है, फिर से ये डी का आ रहा है, तो ये जो है बट डिफरेंस तो सेम है, तो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। डी हो, 2d हो, 40d हो, 45d हो, कुछ भी हो, डिफरेंस सेम हो तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन माना जाए, ये है मुद्दा। ये चीज समझ आया, ये रिजल्ट आपको समझ आया, ये आपको याद रखना है, नहीं तो आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम होगा। कोई अगर बोल सकता था मुझे कि सर अगर मैं मान लूं कि आप बोल रहे हो तीनों जो नंबर है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं ए पहला वाला, दूसरा वाला a+d, तीसरा वाला a+2d, तो इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, ये भी सही है, बट आप अगर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करने जाओगे ना इस रिजल्ट को लेके, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा लेंदी बन जाएगा या तो कम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो इजिली प्रॉब्लम बनेगा, जो कि मैं प्रॉब्लम कराते टाइम दिखाऊंगा कि आप अगर इससे बनाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, पर अगर इससे बनाओगे तो क्या प्रॉब्लम है, बट ये गलत नहीं है। अगर आप लेओगे ना ये वाला, कोई भूल जा रहा है प्रॉब्लम, मतलब इस कोई किसी को मालूम ही नहीं है ये चीज, या भूल गए हो एग्जाम के टाइम पे तीनों जो टर्म है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, पांचों टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, तो आप a+d, a+2d से भी बना सकते हो, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उसमें सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया ही ऐसे है कि इससे अगर प्रॉब्लम्स को बनाओगे आप तो आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो आया समझ में? किसी को कुछ डाउट है तो बेटा प्लीज पूछ सकते हैं, देन हम नेक्स्ट वाले चीज में आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अब देखो पहला वाला क्वेश्चन बोल कर रहा है, फाइंड द 14th टर्म ऑफ एपी, मतलब आपको t14 निकालना है, whose first term, मतलब आपको बोल दिया गया है a का वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू 2, अब t14 निकालना है, अब हम जानते हैं tn का वैल्यू a+n-1 into d, तो a का वैल्यू 3, n का वैल्यू मुझे क्या है 14, क्योंकि मैं t14 निकालूंगा, और d का वैल्यू 2, तो ये 3+13 into 2, तो 3+26, तो ये आपका 29 आंसर आ जा रहा है, जो कि बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था और ये फॉर्मूला का प्रॉब्लम था, फॉर्मूला अगर याद होता तो आप इजीली कर लेते। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। नो सर। ठीक,
चलो इसके बाद देखते हैं, बोल क्या रहा है, फाइंड द पास्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको ए भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना है। इफ फॉर एन एपी द थर्ड टर्म इज सिक्स, मतलब आपको टी थ्री बोल दिया गया है सिक्स, सेवनटीन्थ टर्म इज टी, मतलब टी सेवनटीन बोल दिया गया है 34, तो आपको ए और डी निकालना है। आप लोग थोड़ा इसको सोचो एंड ट्राई करने का कोशिश करो, देन मैं दिखाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना होता है, थोड़ा आप लोग ट्राई करो। हो रहा है कोई इनपुट किसी का? ओके चलो मैं ही सॉल्व करता हूं कि करेंगे कैसे इसको। तो देखो आपका टी थ्री मतलब टी एन का फॉर्मूला तो मालूम था, अगर इसमें से मैं टी थ्री का निकालू तो ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, जो कि मेरा ए प्लस टू डी रहेगा, और टी थ्री का वैल्यू दिया था सिक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू सिक्स, तो ये पहला वाला रिजल्ट है। दूसरा वाला टी सेवनटीन, अगर इसी में मैं इनका वैल्यू सेवनटीन बैठा हूं तो ए प्लस सेवनटीन माइनस वन इंटू डी, जो कि आपका आ जाएगा ए प्लस सिक्सटीन डी, जो कि टी सेवनटीन का वैल्यू दिया है 34। ये दो समझ आया सबको? यस सर। यस किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ओके कोई डाउट नहीं। ओके इसके बाद क्या करेंगे, कोई डाउट है कैसे कर सकते हैं, किसी का आइडिया? सर माइनस कर देंगे। हाँ माइनस करके भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि इसमें भी ये है इसमें भी ये, मैं इसको मान लेता हूँ कुछ इक्वेशन वन, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन टू। तो मैं क्या करूंगा, वन माइनस टू करूंगा, तो इसमें सर क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस सिक्स डी, और ए सिक्स माइनस 34, तो ए ए तो कैंसिल, 2d माइनस 6d कितना होगा 4d माइनस 4d, 6 माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस का 28 सर 16d। ठीक है 16d, अच्छा हाँ 16d था, बहुत कुछ, तो ये आपका 2d माइनस 16d आएगा माइनस का 14d, राइट? यस सर, d आएगा 2, तो d का वैल्यू आपका आ जा रहा है 2। अब मुझे चाहिए ए का वैल्यू, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो आप, तो ए प्लस टू डी का वैल्यू मेरा क्या था 6, तो इधर से ए का वैल्यू 6 माइनस 2d, 6 माइनस 2 इंटू डी, जो डी का वैल्यू मैं 2 बैठाऊंगा, तो 6 माइनस 4 एंड दिस इज 2, तो ए का वैल्यू भी 2 का वैल्यू भी 2, और मुझे तो यही क्वेश्चन में बोला गया था ना। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बेटा प्लीज पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले आप लोग थोड़ा ट्राई करो इसको, वो मैं समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि डिवाइड 124 इनटू फोर पार्ट्स इन सच ए वे दैट दे आर इन एपी, मतलब आपको 124 को चार अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना है, और ऐसे करना है कि वो चारों पार्ट अपने आप में एपी में रहेगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा, द
द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब चारों पार्ट का, चारों पार्ट करोगे ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट का जो प्रोडक्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा, और आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उससे कम होगा, कितना कम होगा, 128। तो आपको निकालना है चारों पार्ट बेसिकली होगा क्या। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा आप लोग इसको ट्राई करो। ठीक है, तो चलो दिखाता हूं मैं। पहला बात तो ये देखो, इसका स्टार्टिंग कैसे करना है। अच्छा, इसने ऑलरेडी सॉल्व करके बोल रखा है कि ये 31 बोल रहा है। 31 क्या पर्टिकुलर होगा? चलो निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा इसका। ठीक है, तो देखो पहला बात तो ये है कि चार पोर्शन में आप डिवाइड कर रहे हो इसको, और ये चारों पोर्शन एपी में होगा। तो अभी अभी एक चीज देखा ना हमने कि चारों नंबर अगर एपी में होता है तो इन दैट केस क्या हो जाता है, चारों नंबर का ये होता है। तो मैं पहले ही ले लूंगा कि लेट अस अज्यूम द फोर पार्ट्स आर a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। इसमें से ये वाला आपका टर्म वन है, दिस इज टर्म टू, दिस इज टर्म थ्री एंड दिस इज टर्म फोर। अब एक चीज बोलो, मैंने 124 को ब्रेक करके ये चारों पार्ट में बना दिया, तो ये चारों पार्ट का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? सर 124। हाँ, तो पहला रिलेशन मेरा ये आ जाएगा कि चारों पार्ट को अगर मैं ऐड करता हूँ कि a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, दिस इज इक्वल्स टू 124। एंड गौर से देखो, माइनस 3d प्लस 3d माइनस d प्लस d कैंसिल, एंड इनमें से आपका 4a इक्वल्स टू 124 एंड a का वैल्यू आपका 31 जो कि आंसर में किसने दिया था। ठीक है, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म। अब ये वाला चीज अगर मैं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको अगर नहीं लेता और मैं अगर ऐसे करता प्रॉब्लम को कि ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, सर चारों टर्म तो आपका एपी में है तो इसको लेके बनाओ आप, इसको लेके भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बट प्रॉब्लम क्या आएगा देखो, आप ये चारों को ऐड करोगे और इसको ऐड करके 124 करने वाले थे, तो ए प्लस डी ए प्लस टू डी a प्लस 3d, दिस इज इक्वल्स टू 124। देखो एक दो तीन चार, चारों a है, और देखो a d 2d, d प्लस 2d 3 और 3 6d हो जा रहा है, ये दिस इज इक्वल्स टू 124। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसमें आपका d और a दोनों ही है, तो इसमें से आपको डायरेक्ट a का वैल्यू नहीं मिलेगा जो कि आपको इसमें आ जा रहा है। आप इजीली a का वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये इक्वेशन में डायरेक्ट आपको नहीं बनेगा, आपको दूसरा वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व करोगे, इसमें भी बनाना पड़ेगा वाला,
बट इसमें दो अननोन्स एक साथ आ जा रहा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपको डिडक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको दे देता ना कि आपको बस पहला टर्म ये वाला जो है इसका अगर मान लेते कि एक का वैल्यू निकाल के दिखा, बोल सकता था ऐसा अगर, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। ठीक है, तो यही आपका हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में नहीं बनेगा, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये भाई इसमें इसमें भी बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये तो मिल गया, आप क्या करेंगे दूसरा वाला जो कंडीशन है इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है दूसरा कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। अब फर्स्ट मतलब टी वन टी फोर, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब टी वन टी फोर, ये क्या है, ये लेस है, किससे लेस है, सेकेंड एंड थर्ड से, मतलब टी वन टी फोर किससे लेस है, टी वन टी थ्री के मल्टीप्लीकेशन से, मतलब टी वन टी थ्री माइनस टी वन टी फोर करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 128, यही बोला है। देखो तो आप इसमें बैठा दो, क्या है a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी, तो टी वन टी थ्री कितना है, सॉरी टी वन टी थ्री नहीं, टी टू थ्री थ्री, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, ये सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो सेकेंड और थर्ड मतलब a माइनस डी a प्लस डी, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस डी a माइनस डी माइनस टी वन का था आपका a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी एंड दिस इज इक्वल टू 128। और आप गौर से देखो इसका फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर नाइन डी स्क्वायर बनेगा, बट ये माइनस नहीं होगा प्लस हो गया क्योंकि इसका माइनस हो था इधर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 128। और आप इधर से इजीली निकाल सकते हो, ए स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जा रहा है, नाइन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपका हो जा रहा है एट डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 128 एंड डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड डी इक्वल्स टू प्लस 4 ओनली। तो आपका डी का वैल्यू भी आ गया और ए का वैल्यू भी आ गया, जो कि कितना था ए का वैल्यू 31। बस आप निकाल लो चारों टर्म क्या था, a माइनस थ्री डी a माइनस डी, तो a माइनस थ्री डी a माइनस डी a प्लस डी a प्लस थ्री डी, बस बैठा दो इसमें, a का वैल्यू 31 माइनस थ्री इंटू डी का वैल्यू 4, 31 माइनस 12 ये वाला कितना आएगा 31 माइनस 19 d है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू सिर्फ 4 था, तो ये आपका आ जाएगा 27, ये वाला आपका 19, तो ये a प्लस d 31 प्लस d का वैल्यू 4 तो दिस इज 35 और ये 31 प्लस 3 इंटू डी 12 तो 2 प्लस 1 3 4 तो 43। आया समझ में सबको, तो ये चारों पार्ट आपका बन जा रहा है, ये चारों पार्ट आपका आंसर बन जा रहा है। ठीक है, यस सर, यस सर, होगा 19 27 35 43। ठीक है, यस सर, आया समझ में क्वेश्चन, यस सर, यस सर। यही क्वेश्चन अगर इसमें बनाते जाओगे तो देखो सेकंड वाला कंडीशन और भी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि टी वन टी फोर, तो देखो ए के साथ आपका ए प्लस थ्री डी मल्टीप्लाई करना था, जो कि कुछ फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना होगा, ए इंटू ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस टू डी, देखो इतना बड़ा हो जा रहा है टर्म, बट इसमें देखो कितना इजिली फॉर्मूला आ गया था, तो यही आपका फैसिलिटी मिलेगा अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके बनाओगे प्रॉब्लम्स को। समझ आ रहा है बात, यस सर, यस सर, सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो ये वाला भी आप लोग थोड़ा ट्राई करो, ये क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, मुझे ही करना होगा लास्ट तक, बट आप लोग पहले ट्राई कर लो थोड़ा कि बनाएंगे कैसे इसको।
बोलो किसका हो रहा है, ट्राई कर रहे हो? यस सर। यस सर। देखो मैं इसको दिखाता हूँ, आई होप आपको हो ही पाएगा। सर फोर ट्वेल्व और ट्वेंटी, फोर ट्वेल्व और ट्वेंटी। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले देख लेते हैं कि फाइंड द थ्री टर्म्स ऑफ एपी हुज सम इज दिस। तो थ्री टर्म के लिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है तो इसको लेके बनाऊंगा। हुज सम, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 36। डी डी कैंसिल एंड थ्री ए इक्वल्स टू 36, तो भाई ए का वैल्यू मेरा 12 बन जा रहा है। एंड प्रोडक्ट बोल रखे 960, तो ए इंटू ए प्लस डी ए माइनस डी दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 960। तो ए इंटू ए बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 960। एंड इसमें देखो ए का वैल्यू बैठा दो तो 12 और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 960 और 12 8 जा 960 तो इट विल बी 80। सो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 80 एंड ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 और डी स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ तो डी स्क्वायर आपका बन जा रहा है 144 माइनस 80 एंड दिस इज इक्वल्स टू 64 डी विल बी 8। तो आप बोल रहे थे चारों टर्म क्या आएगा ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू कितना था मेरा, अच्छा ये निकाले है 12 तो 12 माइनस 8 तो जो वाला 4 फिर ए है मतलब कि ए का वैल्यू आपका 12 आया है और ए प्लस डी जो का आपका ए मतलब 12 प्लस 8 20। तो आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है बेटा, यानी ये आपका आंसर है। ठीक है किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलो अब क्विज का क्वेश्चन आ रहा है, क्विज तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। चलो पहला वाला सॉल्व करो। बोल कर रखा है कि इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 25 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4 देन फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। बोलो बेटा किसका कितना आ रहा है? सर 57। सर 57। सबका 57 आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो बनाते हैं। बोल क्या रखा है क्वेश्चन में? बोल रखा है कि सेवेंथ टर्म T7 जो कि 25 है, मतलब a प्लस n माइनस 1 की जगह पर 7 माइनस 1 इनटू d दिस इज इक्वल टू 25। डिफरेंस दिया है 4 तो a प्लस 4 6 आर 24 इक्वल्स टू 25, मतलब a का वैल्यू मेरा 1 हो जा रहा है, हां कि ना? यस सर। बोल क्या रखा है 15th टर्म, तो t15 निकालूंगा तो फार्मूला होगा a प्लस 15 माइनस 1 इनटू d a का वैल्यू 1 एंड 14 इनटू d का वैल्यू कितना आएगा 4। 4 तो ये वाला आपका 56 प्लस 1 जो कि आपका 57 बनता है एंड दिस इज द आंसर।
कोई शक? नो सर। नो सर। सर ये वाला बनाओ। Which term of the arithmetic progression? मतलब ये जो progression देख पा रहा है इसका कौन सा वाला term में आपका 420 आएगा? Question आपको ये बोल रहा सर। इसका आंसर है सर 20। सर 20। ठीक है आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन टू। चलो बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हो जो इसका प्रोग्रेशन दिया है वो कुछ इस तरह सा दिख रहा है। मतलब डिफरेंस जो आ रहा है तो ए तो आपका 21, कॉमन डिफरेंस आपका 21। तो मुझे बोला गया कि कौन से वाला टर्म पे 420 आएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म में 420 आएगा, तो tn 420 बैठा दिया। एंड इसका फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d, this is equals to 420। अब मुझे तो n का वैल्यू मालूम नहीं है, उसी तो निकालना है ना। तो a का वैल्यू 21, n minus 1, d का वैल्यू 21, this is equals to 420। एंड 21 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 420 एंड इसको कैंसिल करके ये वाला 20 बन जा रहा है। एंड 1 कैंसिल एंड n का वैल्यू 20 ही बन जा रहा है एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक, इसी का कोई डाउट? नो सर। होमवर्क का ठीक है, होमवर्क का भी पहला क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो ये वाला बनाओ क्योंकि आप लोग का होमवर्क का ही काम है तो टाइम है, थोड़ा बना लेते हैं। बोल क्या रखा है सेम वाला चीज की व्हिच टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब ये जो सीरीज देख रहे हो इसका माइनस 39 कौन से वाला टर्म में आएगा, ये थोड़ा समझ के करना। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी अच्छा है। सर 9th टर्न, सर 11th टर्न। 11th आप बोल रहे हो, 11th टर्न। ठीक है, और कोई? सर 11th। कैसे किया, कैसे किया बेटा आपने जो बोल रहे हो 11th टर्न आया है, थोड़ा बताओ मुझे भी। हाँ बेटा। सर मैंने पहले a plus 60 लिया सर, उसके बाद मैंने a plus 10d लिया और D का वैल्यू कितना आया है सर? -6। एग्जैक्टली, D का वैल्यू नेगेटिव में आएगा इसमें क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीरीज है। पहले टर्म से सेकंड वाला टर्म देखो छोटा है, सेकंड से थर्ड वाला टर्म भी छोटा है, तो ये D जो है डिफरेंस वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन पे लिस्ट ऑफ द बच्चों के लिए। तो ये दिया है 21, 15, 9 एंड सो ऑन। डी का मतलब होता है कोई भी टर्म्स माइनस उसका प्रीवियस टर्म, 9 माइनस 15 या तो 15 माइनस 21 ऐसे होता है, कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म। तो डी जो आएगा मेरा 15 माइनस 21 आपका आ जाएगा माइनस का 6। ठीक? यस सर। और ए जो है मेरा 21 दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है माइनस 39 कब आएगा, तो मैं ऐसा ले लेता हूँ tn का वैल्यू माइनस 39, तो ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इनटू d, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 39 एंड a का वैल्यू मेरा 21।
एन माइनस वन का वैल्यू एन माइनस वन, डी का वैल्यू माइनस ऑफ सिक्स, तो मैं माइनस बैठा देता हूँ और इधर सिक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस थर्टी। तो ये 21 माइनस 16 और प्लस का 16, दिस इज इक्वल्स टू सॉरी 6, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 39। एंड ये वाला कितना हो जाएगा फिर, 21 प्लस 6 हो जा रहा है 27 और 27। हाँ बेटा कुछ बोल रहा था बेटा, 27 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 39। हाँ 27 माइनस 16 इक्वल्स टू 39 माइनस का, तो ये 27 प्लस 39 इक्वल्स टू 16 और ये वाला आपका 66 इक्वल्स टू 16 एंड इन का वैल्यू आपका 11। सो 11th टर्म में आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस का 31, क्योंकि एक घट रहा है ना, घट रहा है तो एक टाइम पे माइनस पे चला जाएगा, नेगेटिव पे चला जाएगा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, डिक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है डिफरेंस क्या है। ठीक, इसलिए देखो मैं एक चीज बोल देता हूँ थोड़ा कि देखो कहाँ लिया एक प्रॉब्लम लिया ना, डी निकाला था कहाँ गया। हाँ देखो डी स्क्वायर का वैल्यू मेरा 64 था, तो मैं तो डी का वैल्यू माइनस 8 लिया था, ले सकता था, क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं देखूंगा ये वाला जो मैंने सीरीज लिया है ये मैं इंक्रीजिंग सीरीज लिया है, देखो इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो ये डी का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, डी का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा इसमें, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से इसमें काम था, ऐसा नहीं है कि डी का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, आ सकता है क्योंकि मैंने देखा ना इसमें, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये वाला प्रॉब्लम में देख लिया राइट। चल ये वाला सॉल्व करो बेटा, बोलो बेटा किसका आया सर? माइनस टेन माइनस। ठीक है चलो देखते हैं, बोला इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एंड द 15th टर्म ऑफ एपी दिस एंड दिस, तो फिफ्थ टर्म मतलब t5 कितना दिया है 35 एंड t14 कितना दिया है 8। बोल रहा है कि 20th टर्म क्या आएगा, अब देखो फिफ्थ टर्म से 14th टर्म छोटा है, मतलब ये भी डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब डी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए एज पर क्वेश्चन, तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस 35 माइनस 1 इनटू डी, मतलब ए प्लस 34 डी जो कि आपका 35। सेम तरह से ये ए प्लस 8 माइनस 1 इनटू डी जो कि ए प्लस 7 डी जो कि आएगा 8, और इसके माइनस करेंगे ये वाला 1 ये वाला 2 और मैं 2 सॉरी 1 माइनस 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा a प्लस 34d माइनस a माइनस 7d और 35 माइनस 8। ये a और a कैंसिल, 34 माइनस 7 करने से कितना आ जाएगा 27d और ये वाला कितना आएगा 27 और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1।
राइट यस सर। अगर डी का वैल्यू ये है तो ए का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा ए का वैल्यू, तो देखो ए का वैल्यू आएगा 8 माइनस 7 डी, तो 8 माइनस डी का वैल्यू 7, तो ए का वैल्यू भी 1, दोनों का ही आ रहा है क्या, सेम आ रहा है क्या आप लोगों का भी ए और डी। तो मुझे बोला जा रहा है कि फाइंड 20th टर्म, तो T20 कितना आएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इनटू D, तो 19 प्लस 1 जो कि 20। अच्छा सॉरी, D का वैल्यू कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। फिफ्थ टर्म बोला था, तो फिफ्थ टर्म मेरा कितना आया था, फिफ्थ टर्म बोला है 35, तो T5 35 लिया है, चलो। एंड 14th टर्म T14 बोला है 8 आएगा, ठीक है ओके। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 35 माइनस 1 34 डी। अच्छा सॉरी, ये तो फिफ्थ टर्म था ना, तो इनका वैल्यू 5 बैठाना था, मैंने 35 बैठा दिया, ये 5 माइनस 1 होना था, ठीक। तो ये 5D आएगा, सॉरी 4D आएगा, क्योंकि 5 माइनस 1 हो जा रहा है, इनका वैल्यू 5 है ना। एंड सेम तरीके से ये वाला कितना आएगा, ये 14th टर्म है, तो ये आपका 14 माइनस 1 आना चाहिए था, तो ये 14 माइनस 1 आपका 13D आएगा। तो अगर मैं पहले वाले से माइनस कर दूं, ये वाला आपका 4D और ये A माइनस 13D आ जाएगा, और ये 35 माइनस 8, तो ये वाला थोड़ा गलत हो गया क्योंकि इसमें वैल्यू गलत बैठा दिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ए और ए तो कैंसिल, और 4D माइनस 13D आपका कितना आएगा, माइनस के 9D, और इधर 27। और देखो डी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए था और नेगेटिव आ भी रहा है, क्यों, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, फिफ्थ टर्म बड़ा है 14th टर्म छोटा है, मतलब ये नंबर जो है, सीरीज जो है, ये जो सिक्वेंस है, सॉरी पैटर्न जो है, ये बेसिकली नेगेटिव में जा रहा है, प्रोग्रेशन नेगेटिव में है, तो डी का वैल्यू तो -3। सेम तरह से अगर ए को निकालूंगा, तो ए इक्वल्स टू 8 माइनस 13, डी हो जा रहा है, तो 8 प्लस 13 इंटू डी, 13 इंटू डी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 13 इंटू 3 आएगा, क्योंकि माइनस था तो प्लस आ जाएगा, 39 प्लस 8 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 47। तो आपके पास ए भी है, डी का भी वैल्यू है, तो आप 15th टर्म कहाँ गया, सॉरी 20th टर्म है जो आप निकाल सकते हो, जो कि देख के ही पता चल रहा है नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू इतना आया है और ये जो है नेगेटिव में जाएगा, तो कितना आएगा ए, सॉरी T20, तो ये आएगा ए जो कि 47 प्लस एन माइनस वन, तो 20 माइनस 1, क्योंकि T20 निकाल रहे हैं और डी का वैल्यू -3 है, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये 47 माइनस 19 इंटू 3, तो ये जो आपका माइनस का 57, तो ये आपका -10, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। यस सर। किसी को डाउट है इसमें, थोड़ा ये एन जो है ये थोड़ा संभाल के, मतलब ज्यादा हड़बड़ी मत करना, थोड़ा टाइम लेके इसको बना लेना, क्योंकि मैंने ये वाला 35 को एन की जगह पर बैठा दिया, तो ये तो फिफ्थ टर्म है ना, तो एन मुझे 5 बैठाना था, साइड में या तो लिख लो एन का वैल्यू क्या है, इसमें मुझे 14th टर्म है, तो n का वैल्यू 14 बैठना था, तो n माइनस 1 14 माइनस 1 होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद और एक प्रॉब्लम है, ये आप घर पे बना लेना, क्योंकि होमवर्क दोनों बना ही लिए, और ये एक वाला प्रॉब्लम है, दो घर पे बना रहा, ठीक है। तो ये दो आंसर है जो कि सही आया हम लोग का, और ये दोनों है, ठीक है। तो कंक्लूड कर देते हैं, क्या बोल के रखा है कि बेसिकली आज हम देखा हाउ टू आइडेंटिफाई एपी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स बन सकते थे ये हमने आज देखा, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? नो सर।